14 दिन पूर्व इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े हुई लूट के आरोपियों को पकड़ने में अमझेरा पुलिस को मिली सफलता। फरियादी को पिस्टल दिखाकर की गई थी लूट की बड़ी वारदात। इस घटना में अमझेरा पुलिस ने 3 आरोपियों को मई पिस्टल गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई रकम 1.5 लाख रुपए जब्त किए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दिलीप भील निवासी चिचोड़िया थाना सरदारपुर लिस्टेड गुंडा है तथा इसी के गांव का उमेश भील भी सरदारपुर का बदमाश है। इस घटना में एक अन्य मुकेश बैरागी निवासी RBL कंपनी धार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सद्दाम उर्फ सदान निवासी दत्ती गाँव तथा सलीम खान निवासी कॉर्नर जिला आगर मालवा फरार हैं, जिनसे 1 लाख की रिकवरी की जाना शेष है। 4 फरवरी को इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अरुण पिता प्यारेलाल पाटीदार निवासी रिगनौद अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम अमझेरा राजपुर एड्रिया हाथों से अलग अलग समूह के 2.5 लाख रुपए वसूल कर राजगढ़ जा रहे थे। तभी शाम को 5 बजे औद्योगिक क्षेत्र हाथों करेली घाट में पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार कोई 4 सशस्त्र बदमाश मुंह बांध कर आए। प्रिया को पिस्तौल बताकर 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए थे, जिसकी रिपोर्ट अमझेरा थाने पर दर्ज की गई थी। इस घटना में मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुकेश बैरागी हाल मुकाम RBL कंपनी धार कोष के निवास स्थान से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने अन्य साथी दिलीप भील उमेश भील सद्दाम भील राजू उर्फ सलीम मुसलमान के साथ उक्त घटना को कथित किया जाना बताया, जिस पर पुलिस ने मुकेश दिलीप तथा उमेश के पास से नकदी 50,000 रुपए एवं 1 मोटरसाइकिल 1 नई पिस्टल जब्त किए। फरार आरोपी सद्दाम उर्फ सदान भील व सलीम खान को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए साबिर खान की रिपोर्ट। 4 फरवरी को माइक्रो फाइनेंस के एक एजेंट के साथ लूट हुई थी, जिसमें 2.5 लाख रुपए गए थे। उसमें TI अमझेरा SDOP सरदारपुर की टीम ने अच्छा काम करते हुए उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें और भी 2 लोग चिन्हित हुए हैं और 2.5 लाख में से करीब 1.5 लाख रुपए रिकवर कर लिया गया है।